श्री भगवत्यै नमः। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य अध्याय 2। जाम्बवान के यहाँ से श्री कृष्ण के मणि प्राप्त करने तथा जाम्बवती से विवाह करके द्वारका लौटने की कथा। ऋषियों ने पूछा, महाबुद्धिमान सूत जी, महाभाग वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया? भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करने प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा? श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए, यह बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुखपूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधन हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से परम प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया, साथ ही उन्हें एक स्यमंतक नामक मणि दी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके द्वारका आए। वह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर पुरवासियों ने समझा कि सूर्य नारायण है, अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे, जगत प्रभु, ये सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई और वे बोले, अरे बालकों, ये सूर्य नहीं है, ये तो स्यमंतक मणि धारण करके सत्राजित आ रहे हैं। मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है। सूर्य ने इन्हें यह मणि दी है। तदनंतर सत्राजित ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वस्ति वाचन कराया, मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 भार सुवर्ण देने वाली वह मणि जहाँ रहती थी, वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष एवं अत्यंत उत्पात संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम प्रसेन था। एक बार वे उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। वृक्षराज जाम्बवान बड़ा बली था। उसने देखा सिंह मणि लिए हुए है, अतः बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उसने मणि छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। बच्चा भी उस चमकीली मणि को लेकर खेलने लगा। कुछ समय बाद जब प्रसेन नहीं लौटे, तब सत्राजित को महान दुख हुआ। कहा, पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों प्रसेन काल का ग्रास बन गया। फिर तो जनसभा के मुख से द्वारका में इस प्रकार किंवदंती फैल गई कि हो न हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार डाला, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पुरवासियों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी। वे वन में पहुँचे, सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। तब कृपा परवश होकर के वे पुरवासियों से कहने लगे, तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल से अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहकर पुरवासी वहीं ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहाँ गए जहाँ जाम्बवान का स्थान था। देखा वृक्षराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए था। इन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में धाय ने भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दी। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जाम्बवान आ पहुंचा। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिन तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके थे। 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। तत्पश्चात डर कर वे अपने अपने घर लौट गए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सबको महान कष्ट हुआ। अब वे सत्राजित की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग वसुदेव के कानों में भी पड़ी। परिवार सहित वे शोक सागर में डूबने उतराने लगे। अब मेरा कल्याण कैसे होगा, इस प्रकार की अनेकों चिंताएं उनके मन में उठने लगी। इतने में देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए, मुनि को प्रणाम किया, उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा और फिर कहा, आप चिंतित क्यों हैं? इसका कारण बतलाइए।
वसुदेव जी ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पुरवासियों के साथ वन में गया था। मरे हुए प्रसेन पर उसकी दृष्टि पड़ी। बिल के द्वार पर देखा कि प्रसेन को मारने वाला सिंह भी मरा पड़ा है। तब पुरवासियों को द्वार पर ही ठहरा कर वह स्वयं अंदर घुस गया। मुने, बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, अब तक मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र नहीं लौटा। इसी से मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा पुत्र शीघ्र वापस आ जाए। नारद जी बोले, यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। उनके आराधन से ही तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। वसुदेव जी ने पूछा, देवर्षे, वे अंबिका देवी कौन हैं? उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है? भगवान यह बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, महाभाग वसुदेव, अंबिका के संपूर्ण महात्म्य को विशद रूप से कौन कह सका है? मैं संक्षेप से कुछ कहता हूँ, सुनो। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपिणी है, सतचित और आनंद में उनका श्री विग्रह है। वे सर्वोपरि हैं, इस चराचर जगत में उनसे ओत प्रोत हैं। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और कैटभ से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और वे उस भय से मुक्त हुए। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में वे सफल हो सके। वे ही संसार बंधन में हेतु हैं, मुक्त कर देना भी उन्हीं का काम है। वे देवी परमा विद्या स्वरूपिणी हैं, संपूर्ण शक्तिशालियों पर भी उनका शासन रहता है। तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने वाले से भुक्ति मुक्ति दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार मुनिवर नारद जी के कहने पर वसुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए वे कहने लगे। वसुदेव जी बोले, भगवान, आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया, उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, आकाशवाणी से यह जानकर कि देवकी के 8वें गर्भ से कंस का निधन होगा, पापी कंस ने भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया। अपनी पत्नी देवकी के साथ मुझे कारागार की हवा खानी पड़ी। जो ही बच्चे पैदा होते, दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता। कंस के हाथों मेरे 6 बालकों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब वह कल्याणी रात दिन चिंता करने लगी। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, पूजा की, अनुनय विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। मैंने कहा, भगवान, आप करुणा के सागर हैं, यादवों ने आपसे दीक्षा पाई है, मुने, आप दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का साधन बतलाने की कृपा करें। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, महाभाग वसुदेव, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों के दुख को दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है, तुम उन्हीं की आराधना करो। उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्यों को जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। मुनि के यो कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष छा गया। मैंने अत्यंत भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप परम दयालु हैं, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना आरंभ कर दीजिए। महामते, मैं कंस के यहाँ बंदी बना हूँ, इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती, अतः आप ही इस दुख स्वरूपी दुस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग जी ने प्रसन्न होकर के बोले, वसुदेव, तुम मेरे अति प्रेम पात्र हो, अतएव तुम्हारे कल्याणार्थ मैं अवश्य यत्न करूंगा।
फिर तो मैंने प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली जगन माता के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, हे मुने, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है। वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से वे अपना अंशावतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वसुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुँचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या को ले जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे और कंस उसी कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में ही वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी, उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वह विंध्यागिरी पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए। मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। मेरे हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। तभी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम महात्म्य मैं जानता था। देवर्षे, आज भी आपके मुखारबिंद से वही महात्म्य मैं सुन रहा हूँ। अतः प्रभु, आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। देवर्षे, आप दया के सागर हैं, मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ पर पधारना हुआ। वसुदेव जी का कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मण नवार्ण जप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडेय पुराणोक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की। वसुदेव जी भक्ति पूर्वक सुनते रहे। नवे दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाग वसुदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथावाचक की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवान के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जाम्बवान घायल हो गया। उसकी देह से रक्त सन गई थी। फिर वह चेत हुआ, तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ वह उनसे अपना अपराध क्षमा कराने लगा। उसने कहा, भगवन, मैं आपको जान गया, आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र क्षुब्ध हो उठा था, लंका चौपट हो गई थी और सपरिवार रावण काल का ग्रास बन गया था। भगवान, वे ही आप अब श्री कृष्ण के रूप से पधारे हैं, मेरी उद्दंडता को क्षमा करें। प्रभु, मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ, उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जाम्बवान की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रक्षराज, हम मणि के लिए यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो रक्षराज जाम्बवान ने प्रीति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और अपनी कन्या जाम्बती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जाम्बवती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जाम्बवान से विदा लेकर वे द्वारिका के लिए प्रस्थित हो गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहाँ आ पहुँचे। भार्या सहित श्री कृष्णचंद्र को वहाँ पधारे देखकर वसुदेव प्रभृति जितने लोग थे सबके नेत्र आनंद के आंसुओं से डबडबा गए और हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। तदनंतर देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हो श्री कृष्णचंद्र और वसुदेव जी की आज्ञा लेकर ब्रह्म सभा को चले गए। भगवान श्री हरि का जो यह चरित्र है उसके प्रभाव से अपय शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी अभिलाषा अधूरी नहीं रह सकती और अंत में वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। अथ द्वितीय अध्याय समाप्त। नमो नारायण।